वेलकम टू माय चैनल। आज बनाएंगे गाजर के परांठे। गाजर के परांठे बनाने के लिए मैंने गाजर को ग्रेट कर लिया है। अब मैं इसमें नमक ऐड करूंगी। थोड़ा रेड चिल्ली पाउडर ऐड करूंगी। कोरिएंडर पाउडर ऐड कर रही हूं मैं। थोड़ा अजवाइन ऐड किया है। भुना हुआ जीरा पाउडर ऐड कर रही हूँ। चाट मसाला ऐड कर रही हूँ और थोड़ा सा आमचूर पाउडर ऐड करूँगी। इसमें मैंने बारीक कटे हुए अनियन ऐड करे हैं। ग्रीन चिल्ली और अदरक है वो ऐड किया है। कोरिएंडर को मैंने बारीक काट के रखा है वो ऐड किया है और करी पत्ता ऐड किया है। और अब मैं इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्सिंग बहुत अच्छे से करनी है ताकि सारे मसाले ऐड हो जाएं। और जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर रही हूँ मैं अब और अच्छे से मिक्स करूंगी। अब मैंने तवे को गैस पे गर्म होने रख दिया है और आटे की लोइयां बेल ली हैं। इसके लिए हमें दो रोटी बेलनी है, उसके बीच में हम गाजर की फिलिंग ऐड करेंगे। जनरली हम मूली के परांठे, आलू के परांठे तो बनाते ही रहते हैं, लेकिन गाजर के परांठे भी बहुत अच्छे लगते हैं। आप इसे ज़रूर बनाइए। अब मैं एक रोटी को बेल लिया है और साइड पे रख दूंगी। इसी तरीके से मैं दूसरी रोटी को भी बेल लूंगी और उसके बाद में मैं फिलिंग ऐड करूंगी। और तवे का फ्लेम बहुत ज़्यादा गर्म नहीं रखेंगे, मीडियम फ्लेम पे मैंने तवे को रखा है। और इधर मैंने चाय भी रखी हुई है बनने के लिए, तो ब्रेकफास्ट में गाजर के परांठों के साथ चाय बहुत अच्छी लगती है। अब मैंने दोनों रोटियां बेल ली हैं और अब मैं फिलिंग ऐड कर रही हूँ। और फिलिंग हमें अच्छे से ऐड करनी है, तो पराठा खाली नहीं होना चाहिए, फिलिंग अच्छे से होनी चाहिए पराठे में, नहीं तो फिर अच्छा नहीं लगेगा टेस्ट में। सो फिलिंग में कंजूसी नहीं करेंगे। इधर मेरी चाय को बॉयल आ गया है, मैंने चाय का फ्लेम सिम कर दिया है। मैंने फिलिंग अच्छे से कर ली है और मैं इसके ऊपर दूसरी रोटी लगा दूंगी और उसको थोड़ा प्रेस करेंगे ताकि जो फिलिंग है वो बाहर नहीं निकले। अच्छे से सील हो गए हैं कॉर्नर, सो मैं और थोड़ा सा इसको बेलूंगी। इधर तवा भी गर्म है, तो अब मैं रोटी को इस पे ट्रांसफ़र कर दूंगी तवे पे, और जब दोनों तरफ से ब्राउन हो जाएगा तब उसके बाद हम परांठी पे घी लगाएंगे। कच्चे परांठे पे घी नहीं लगाएंगे। अब दोनों तरफ से
हल्की ब्राउन हो चुकी है रोटियां। अब मैं इसके ऊपर घी लगाऊंगी। ये वेजिटेबल ऑयल है, आप चाहे तो देसी घी में भी पराठे बना सकते हैं, उसका भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है और हेल्दी भी रहता है। अब मैंने एक स्पून से ऑयल लगा दिया है पराठे के ऊपर और इसी तरीके से मैं दूसरी तरफ भी ऑयल लगा दूंगी। देखिए पराठे का कलर कितना अच्छा आ गया है ब्राउन। अभी दोनों तरफ से हमारी पराठी बन गई है और ब्राउन हो चुकी है। देखिए कितना अच्छा गाजर का पराठा बना है। और आप भी इसे एंजॉय कीजिए, बनाइए और खाइए। इसके ऊपर मैंने बटर ऐड किया है।